क्यों ये खुदाई करा रहे हैं आकाश? खुदाई इसलिए करा रहा हूँ साहब, 30 से 32 साल पहले मेरे पिताजी को मार के मेरे बड़े भाइयों ने, और उस टाइम में 5-6 साल का रहूँगा, 6-7 साल का, उस टाइम पे उन्होंने मार के और ज़मीन में ही गाड़ा है। जो मिलती है ना डीएनए के लिए, लेते हैं और उसका 32 साल बाद क्यों जो है आपके दिमाग में? उस टाइम पे मैं 6-7 साल का ही हूँगा, तो 10-12 साल 15 साल तो वैसे ही लग जाते हैं, आगे बाद 10 साल 15 साल मैं बाहर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव गिरौदपुरी में दृश्यम फिल्म जैसा एक मामला सामने आया है। यह एक बेटे ने अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाने के लिए डीएम से शिकायत की। बेटे ने आरोप लगाया है कि 30 साल पहले उसकी माँ और भाइयों ने गांव के एक व्यक्ति के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर डाली और शव को घर के आंगन में ही दफना दिया। डीएम के आदेश पर अधिकारियों ने खुदाई का काम शुरू कराया तो उसी स्थान पर नरकंकाल मिल गया। वहीं शिकायतकर्ता बेटे ने बताया कि 30 साल पहले जब वो 6 साल का था, उसकी मां के पास गांव के ही एक व्यक्ति राजवीर सिंह का आना जाना था। इस पर उसके पिता को एतराज था, इसको लेकर घर में कलह होता था। घटना के दिन माँ और दोनों भाइयों ने गांव के राजवीर सिंह ने मिलकर उनके पिता की हत्या कर शव को छुपाने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया और हमें इतना डरा दिया कि अगर किसी से कुछ कहा तो तुझे भी तेरे पिता के पास पहुंचा देंगे। शिकायतकर्ता ने इस मामले को लेकर जिला अधिकारी और अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। डीएम के आदेश पर सदर एसडीएम नीरज शर्मा आज फोर्स के साथ दोपहर में उसके मकान पहुंचे, जहां खुदाई शुरू कराई, जहां 1994 में हत्या कर दफनाए गए व्यक्ति का 30 साल बाद घर के आंगन में नरकंकाल मिला है। पूरा मैं सर अपना पंजाबी फोनिया भी लिख देता हूं, पंजाबी सिंह भी लिख देता हूं। अच्छा, क्यों ये खुदाई करा रहे हैं? खुदाई इसलिए करा रहा हूँ साहब, 30 से 32 साल पहले मेरे पिताजी को मार के मेरे बड़े भाइयों ने, और उस टाइम में 5-6 साल का रहूँगा, 6-7 साल का, उस टाइम पे उन्होंने मार के और ज़मीन में ही गाड़ा है, और हमको पता चला है कि इसी जगह पे ही उनको किया है जो भी करना होता है। उनको कुछ सुराग ऐसे मिले हैं। अच्छा, क्यों 100% यही मिलेंगे? क्यों मारा है पिताजी को? उनमें आए दिन विवाद होता था और झगड़ा होता था, लेकिन वो झगड़े को लेके इन लोगों ने उनको टंटा ही खत्म कर दिया बिल्कुल मैटर। तो 32 साल बाद आप ये काम करा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसे ही है, समय बदल गया, मैं थोड़ा बाहर था तो उस वजह से आ नहीं पाया। नहीं, 32 साल बाद क्यों जो है आपके दिमाग में? उस टाइम पे मैं 6-7 साल का ही हूँगा, तो 10-12 साल 15 साल तो वैसे ही लग जाते हैं, आगे बाद 10 साल 15 साल मैं बाहर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आया तो मुझे कुछ सबूत मिले हैं मम्मी के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा, तो जब कुछ दिमाग में आई ये बात, तो जी आपका मकान, मैंने फिर अधिकारियों से मुलाकात की। आपको बता दें कि पुलिस अब इस नरकंकाल का पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट कराएगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने इस कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस मामले की अलग से भी छानबीन और अन्य लोगों से पूछताछ कर सबूत जुटा रहे हैं। खुदाई के वक्त मिले नरकंकाल को लेकर गांव में सनसनी फैल गई है। नरकंकाल लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।